Thank you, Honorable Prime Minister. With this, you have set a new momentum of progress and prosperity for Odisha. This will give a further impetus to your beautiful dream for Purbodaya, a prosperous East in making a new India, and you further enthused a new energy of growth and expansion in the state. आपके नेतृत्व एवं दूरदर्शिता से एक नया सूर्योदय होगा और देश के पूर्व राज्यों की समृद्धि का जो आपका सपना है वो साकार हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। के राज्यपाल श्रीमान गणेशी लाल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, संसद में मेरे साथी श्री प्रसन्ना कुमार पाटसानी जी और यहां पधारे भाइयों बहनों और युवा मित्रों, ओडिशा के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने का हमारा संकल्प आज एक और अहम पड़ाव पर पहुंचा है। थोड़ी देर पहले 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इन योजनाओं में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, गैस, रोड और सांस्कृतिक महत्व की तमाम परियोजनाएं हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स ओडिशा के विकास, यहां के जन जन के जीवन को आसान और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, ओडिशा के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा समेत पूरे पूर्वी भारत के विकास पर इतना, देश के संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए बीते 4 वर्षों से निरंतर यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, जरूरी सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार पूर्वी भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के गेटवे के तौर पर विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए ओडिशा के जन जन, ओडिशा के कोने कोने का विकास, ये संकल्प लेकर के केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। साथियों, आज IIT भुवनेश्वर को ओडिशा के देश के प्रतिभाशाली इंजीनियरों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसके निर्माण में 1260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये भव्य कैंपस आने वाले समय में
ओडिशा के नौजवानों के सपनों को, इन सपनों के सेंटर तो बनेगा ही, यहां के युवाओं के लिए रोजगार का नया माध्यम भी सिद्ध होगा। आईआईटी के इस कैंपस में ओडिशा के स्थानीय उद्योगों, यहां रिसर्च होगी, यहां के आदिवासी बहन भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक पर शोध होगा। ये देश और दुनिया के लिए उच्च स्तर के इंजीनियर और उद्यमी तो पैदा करेगा ही, ओडिशा को भी हाईटेक औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में बरहामपुर में करीब 1600 करोड़ रुपए की, 1600 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका भी काम शुरू होने वाला है। साथियों, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे अनेक संस्थान बीते 4.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में स्वीकृत किए हैं। ये सरकार के उस विजन को ही आगे बढ़ाता है जिसके तहत न्यू इंडिया, नया भारत, उसको दुनिया के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का हम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा के ये नए संस्थान नॉलेज और इनोवेशन की ओडिशा की अपनी पुरातन पहचान को और मजबूत करेंगे। साथियों, शिक्षा के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से ध्यान दे रही है। इसी भावना के साथ खोर्धा भुवनेश्वर में बने ईएसआईसी अस्पताल में हुए विस्तारीकरण का काम भी पूरा किया जा चुका है। आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल को भी जनता के लिए समर्पित किया गया है। जो पुराना अस्पताल था उसकी क्षमता अब दोगुनी हो गई है। अब ये 100 बेड का बड़ा अस्पताल हो गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि दूर दराज के गांवों में, जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी परिवारों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। ओडिशा में भी लगभग 1150 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। आने वाले 1-2 वर्षों में जब ये तमाम सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे तो ओडिशा और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। साथियों, ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सड़क संपर्क, कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम भी केंद्र सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। राज्य के तमाम दुर्गम क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए योजनाओं को गति दी जा रही है। गांव और शहरों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ओडिशा में नेशनल हाईवे की लंबाई 10,000 किलोमीटर तक करने की तरफ केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य के तहत आज सड़कों,
हाईवे से जुड़े 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। चांदी खोले भद्रक सेक्शन और टांगी पोइटोला सेक्शन की 6 लेनिंग हो, कटक अंगुल सेक्शन का चौड़ीकरण हो या फिर खांडागिरी फ्लाईओवर का निर्माण, करीब 4,500 करोड़ रुपए के ये तमाम प्रोजेक्ट ओडिशा के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन सुविधा से लोगों का आना जाना आसान होगा, व्यापार कारोबार करना भी आसान होगा। साथियों, ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां उद्योग धंधों के लिए भी नए रास्ते नए अवसर खुल रहे हैं। विशेष तौर पर तेल और गैस के क्षेत्र में ओडिशा का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन ओडिशा को नई पहचान देने वाली है। यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा करने वाली है। करीब 1200 किलोमीटर की यह पाइपलाइन ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत को भी पूरा करेगी। पारादीप रिफाइनरी से निकला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन अनेक शहरों और गांवों की जरूरत को पूरा करेगा। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला इस प्रोजेक्ट के तहत बहरामपुर, विशाखापट्टनम, राजमंड्री और विजयवाड़ा में डिलीवरी कम पंपिंग स्टेशन बनने हैं। इस पाइपलाइन के बन जाने के बाद ओडिशा एक प्रकार से पूर्वी भारत का पेट्रोलियम हब बनने जा रहा है। साथियों, देश के गरीब से गरीब परिवार तक साफ सुथरा धुआं मुक्त ईंधन देने के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। देश के हर घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने में तो हम सफलता के बहुत करीब ही है। अब पाइप से रसोई गैस देने का भी एक व्यापक अभियान सरकार ने आरंभ किया है। विशेष तौर पर पूर्वी भारत को पाइप से गैस पहुंचाने की दिशा में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना तेज गति से चल रही है। यूपी से लेकर ओडिशा तक पीएनजी की लाइन बिछाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बोकारो आंगुल सेक्शन का शिलान्यास आज किया गया है। करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो इससे ओडिशा के 5 जिलों के साथ साथ झारखंड के 6 जिले भी पाइप वाली गैस से जुड़ जाएंगे। साथियों, साधनों संसाधनों का विकास तब तक अपूर्ण है जब तक सांस्कृतिक विकास का आयाम उससे नहीं जुड़ता। देश के पहले स्वातंत्र संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली पाइका क्रांति के 200 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी आज जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त पाइका क्रांति के नायक बख्शी जगबंधु के नाम से उत्कल यूनिवर्सिटी में एक चेयर भी सरकार ने शुरू की है। ये चेयर
पाइका और आदिवासी आंदोलन समेत तमाम राष्ट्रवादी आंदोलन की रिसर्च से जुड़े विषयों पर रिसर्च का सेंटर तो होगी ही, साथ में ये उड़ीसा के आदिवासी समाज में आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को समझने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। साथियों, पाइका के नायकों को सम्मान देने के साथ साथ ओडिशा की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का काम भी किया जा रहा है। कटक जिले के ललितगिरी में आर्कियोलॉजी म्यूजियम का उद्घाटन भी आज करने का मुझे अवसर मिला है। इसमें बौद्ध काल के आरंभिक समय से जुड़े अहम अवशेष रखे गए हैं। ये म्यूजियम दुनिया भर के बौद्ध मत से जुड़े लोगों, रिसर्च स्कॉलर्स को तो आकर्षित करेगा ही, दूसरे लोगों के लिए भी, टूरिस्टों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र होगा। दृष्टि से इसको और शक्ति मिलने वाली है, जिससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ओडिशा के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित है। ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जन जन के विकास के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये काम निरंतर जारी रहेगा। ओडिशा न्यू इंडिया के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बने, इसके लिए हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, मिलकर प्रयास करें, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन तमाम विकास परियोजनाओं के लिए ओडिशा के जन जन को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं और जय जगन्नाथ का स्मरण करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।